ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، एक हदीस है हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रिवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सरवरत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन्हुम, जो शख्स किसी कौम के साथ मुशाबहत को अपने इख्तियार से अपनाए तो वो उसी कौम का हिस्सा समझा जाएगा। यानी कोई शख्स अपना हुलिया, अपनी वज़ाकता, अपना अंदाज जिंदगी वो किसी खास कौम के मुशाबह बनने के लिए इख्तियार करे कि मैं उस कौम जैसा नजर आऊं और देखने में उस कौम जैसा लगूं, तो वो उसी कौम का एक फर्द अल्लाह ताला के यहां समझ जाएगा। यानी अगर कोई शख्स किसी काफिर कौम के तौर तरीके इसलिए अपनाए ताकि मैं देखने में उस काफिर कौम जैसा लगूं, तो अल्लाह बचाए, बड़ी सख्त वईद है कि अल्लाह ताला के यहां उसी कौम में शुमार होगा। यानी उसकी मुशाबहत जानबूझकर अपने इख्तियार से उस जैसा लगने की खातिर अपनाना यह गुनाह कबीरा है। कोई शख्स लिबास इख्तियार करे काफिर कौम जैसा, और इसलिए इख्तियार करे ताकि मैं देखने में वैसा लगूं, तो वो भी इसी में दाखिल है। कोई शख्स और कोई अंदाज जिंदगी इस नीयत से इख्तियार करे कि मैं उन जैसा लगूं, तो ये गुनाह कबीरा है, इस हदीस की वईद में दाखिल है। इसके बरखिलाफ कोई शख्स कोई हुलिया या वज़ाकता या तौर तरीका किसी अल्लाह वाले का इख्तियार करे, अल्लाह वालों का जैसा इख्तियार करे ताकि मैं देखने में उन जैसा लगूं, तो वो उनमें शुमार होगा। और अल्लाह तबारक व तआला जब अपनी रहमत नाजिल फरमाएंगे अपने उन नेक बंदों के ऊपर, तो इंशाल्लाह ये भी उस रहमत का मौरद होगा। तो हजरत इस हदीस को नकल करके फरमाते हैं कि ये आम है तशब्बुह महमूद और मज़मूम दोनों पानी। यानी अगर अच्छे लोगों की मुशाबहत इख्तियार करना चाहे तो वो अल्लाह ताला के यहां पसंद है, और उन अच्छे लोगों के साथ इंसान का उम्मीद है इंशाल्लाह उन्हीं के साथ हशर नशर होगा। क्यों? दरहकीकत ये तशब्बुह जो है ये इंसान की अंदरूनी कैफियत की गम्माजी करता है। जो शख्स
किसी कौम जैसा हुलिया या वजह कता या उस जैसा तौर तरीका अख्तियार करता है, इसके माना यह कि उस कौम की मोहब्बत और अजमत इसके दिल में है। अगर अंग्रेजों की वजह कता और उनका तौर तरीका अख्तियार करता है तो जिसके माना यह है कि उनकी मोहब्बत और अजमत दिल में है। तो जब उनकी मोहब्बत है और उनकी अजमत है अपनी तौर तरीके के मुकाबले में, तो गोया उनका अंदाज जिंदगी इसको ज्यादा पसंद है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं बस ठीक है भाई, जब तुम उन्हें तुम्हें वो पसंद है तो फिर उन्हीं के साथ रहो। और अगर किसी को कोई तरीका अख्तियार करता है अल्लाह वालों का, अहले दीन का, औलिया अल्लाह का, बुजुर्गान दीन का, तो इसके माना है कि उसके दिल में मोहब्बत और अजमत है उनकी। और जब मोहब्बत उनकी है और अजमत उनकी है तो हदीस में आप पहले भी हदीस पढ़ चुके हैं कि अलमरु मा मन अहब, कि अल्लाह ताला आखिरत में अंजाम इंसान का उन लोगों के साथ करेगा जिनके साथ इसको मोहब्बत थी। अल्लाह वालों से मोहब्बत थी, इंशाल्लाह अल्लाह वालों के साथ उठेगा। बुजुर्गों के साथ, औलिया किराम के साथ, अल्लाह के नेक बंदों के साथ मोहब्बत थी, इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ हासिल फरमाएंगे। तो इस वास्ते ये जो अपने इख्तियार से मुशाबहत इख्तियार करना है, अपने इख्तियार से किसी की जैसा बनने की कोशिश है, इसमें कोशिश करनी चाहिए कि आदमी अल्लाह वालों की वजाकता, अल्लाह वालों का तौर तरीका, उनकी अंदाज़ो अदा इख्तियार करे। बाज मरतबा शैतान यूं बहकाता है कि अगर मैं फला बुजुर्ग का या फला अल्लाह वाले का लिबास उस जैसा पहनूंगा या उसकी वजाकता इख्तियार करूंगा या उस जैसे तौर तरीके अपनाऊंगा तो ये एक तरह से दावा हो जाएगा कि मैं बड़ा दीनदार हूं। और मैं इतना दीनदार हूं नहीं, इस वास्ते ये झूठा दावा होगा। और मैं ये झूठा दावा क्यों करूं, लिहाजा मैं उनकी वजाकता नहीं अपनाता। बाद लोगों को शैतान यूं बहकाता है। लेकिन खूब समझ लीजिए कि इसमें एतबार है इंसान की नीयत का। अगर नीयत यह है कि लोग मुझे मुकद्दस समझें और नीयत यह है कि लोग मुझे मुकद्दस समझकर मेरी ताजीम करें और मुझे अल्लाह वाला समझकर मेरा एहतराम करें, तो यह तो है गुनाह। और एक हदीस में फरमाया अल-मुतशब्बिउ बिमा लम युअता कलावीस हवई ज़ूर, कि जो शख्स अपने आप में कोई ऐसी सिफत जाहिर करे जो उसके अंदर नहीं है, हकीकत में दीनदार नहीं है, दीनदार जाहिर करता है, हकीकत में मुत्तकी नहीं है, मुत्तकी अपने आप को जाहिर करता है, दावा करता है अपने कौल से, अपने अमल से, और लोगों को चाहता है कि वो मेरी इस बिना पर मेरी मोहब्बत करें मुझसे और मेरी अजमत करें, तो फरमाया कि झूठ का कपड़ा पहनने, झूठ का लिबास पहनने वाला है, मतलब ये कि ये झूठा है और उसका अंजाम झूठे जैसा हो। लेकिन जहां नीयत ये ना हो बल्कि नीयत ये हो कि भाई मुझे इस अल्लाह वाले से मोहब्बत है, इस बुजुर्ग से ताल्लुक है और इस अल्लाह के बंदे के साथ मेरी अकीदत है, और क्योंकि मेरी अकीदत और मोहब्बत है लिहाजा इंसान ये चाहता है कि जिससे मोहब्बत हो वैसा ही अंदाज इख्तियार करे, तो मैं इस मोहब्बत की बिना पर इख्तियार कर रहा हूं, क्या पता अल्लाह तबारक व तआला मुझ पर इसी बिना पर नवाजिश फरमा दे। तो यह है महमूद बात, और इंशाल्लाह इसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमत के दरवाजे खुले। ये बाद मरतबा ऐसा होता है कि लोग ये सवाल करते हैं कि जो हमारे यहां जो लिबास का तरीका मुरव्वज है, कुर्ता पजामा शलवार ये इस किस्म की चीजें या टोपी, जैसे लोग कपड़े की टोपी पहनते हैं
तो बाद लोग ये सवाल करते हैं कि भाई ये चीजें हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है नहीं, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है या तो तैबंद पहनना या सलवार का जिक्र आया है कि आपके लिए खरीदी गई है और आपने पसंद भी फरमाई, लेकिन पहनने का कहीं जिक्र नहीं। जाहिर है जब खरीदी गई होगी तो पहनी भी होगी कभी ना कभी, लेकिन आम मामूल जो है वो तैबंद पहनने का। और कुर्ता जो हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पहना जाता था वो लंबा कुर्ता होता था, कमीज लंबा होता था जो तकरीबन निसफ साफ तक आता था, और इमामा आप वेतन फरमाया करते थे। तो लोग कहने वाले ये कहते हैं कि भाई या तो करो सीधी सादी सुन्नत की पूरी इत्तबा कि इमामा पहनो और वैसा ही लंबा कुर्ता पहनो या तहबंद पहनो, और या फिर अगर वो सुन्नत की इत्तबा नहीं है तो फिर उस लिबास में और ये इस कुर्ते पजामे में जो हम पहनते हैं जो उसमें और दूसरे लिबास में कोई फर्क नहीं। तो फर्क दरहकीकत यह है कि उलमाए किराम ने फरमाया कि हर दौर में इंसान के लिए बेहतर यह है कि वो लिबास इख्तियार करे जो उस दौर के उलमा सुलहा पहनते हों। क्यों? इसी हदीस की वजह से, मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिन्हु, कि उस दौर के उलमा सुलहा जैसे पहनते हैं चाहे वो मुकम्मल सुन्नत का के मुताबिक ना हो, लेकिन चूंकि अल्लाह के नेक बंदे उस लिबास को इख्तियार किए हुए हैं लिहाजा उसको पसंद करके और उसकी मुशाबहत इख्तियार करना वो इस हदीस की रूह से उनके साथ अपने आप को शामिल कर लेते। हाँ, नीयत यह ना हो कि मैं धोखा दूं लोगों को अपने तकद्दस का, नीयत यह हो कि मुझे उनसे मोहब्बत है, उनसे अकीदत है, उनसे ताल्लुक है और अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है कि उनके मोहब्बत और ताल्लुक की बरकत से मुझे इंशाल्लाह उनके साथ मेरा हश्र फरमाए। यह है हासिल हदीस मुबारक का। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक होता है तशब्बो और एक होती है मुशाबहत। तशब्बो के माने यह है कि अपने कस्द अपने इख्तियार से इरादा यह करे कि मैं उन जैसा लगूं, यह तो है तशब्बो। कोई शख्स कोट पतलून हैट पहनता है इस मकसद से कि मैं अंग्रेज नजर आऊं, यह है तशब्बो। और यह इस हदीस की रूह से नाजायज और गुनाह। और एक है मुशाबहत, यानी इरादा नहीं था किसी खास कौम के साथ मुशाबहत होने का, इरादा नहीं था, अपने तौर पर एक लिबास पसंद आया और इंसान ने वो पहन लिया, कसद ये नहीं था कि मैं उन जैसा लगूं, वो तशब्बुह में दाखिल नहीं, वो मुशाबहत में दाखिल। तशब्बुह तो है गुनाह, गुनाह है कबीरा और उसके ऊपर वईद वारिद हुई है। और मुशाबहत जो है वो अगर बगैर कसद के हो जाए तो वो मुशाबहत गुनाह नहीं, लेकिन हत्तल इम्कान बचना उससे भी चाहिए। जैसा कि आपने सुना होगा कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो इब्तिदा में आप रमजान के रोजे फर्ज नहीं थे, आशूरा मुहर्रम का रोजा फर्ज था, बाद में उसकी फर्जियत तो मंसूख हो गई लेकिन आशूरा के दिन रोजा रखना सुन्नत करार पाया और बाईस फजीलत करार पाया। तो आपने लोगों से कहा कि भाई रखे रोजा ताकि उसकी फजीलत हासिल हो। बाद में पता चला कि यहूदी लोग भी इस रोजा रखते हैं आशूरा के दिन। अब जाहिर है कि आशूरा के दिन रोजा इस बिना पर रखना शुरू नहीं किया गया था कि यहूदी रखते हैं तो हम उन जैसे लगे, तशब्बो नहीं था, लेकिन मुशाबहत थी कि 10 तारीख को वो भी रखते हैं मुसलमान भी रख रहे हैं, तो एक मुशाबहत पैदा हो गई। तो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे भी बचने की ताकीद फरमाई और फरमाया कि हत्तल इम्कान कोशिश यह करो कि तन्हा आशूरे का रोजा ना रखो, या 9वीं साथ मिला लो या 11वीं साथ मिला लो, दो रोजे रखो ताकि मुशाबहत भी पैदा ना हो।
अब अगर कोई शख्स तन्हा एक दिन आशूरा का रोजा रखे तो कोई गुनाह नहीं, हराम नहीं। तन्हा एक दिन अगर रोजा रखे दस मुहर्रम को तो गुनाह नहीं, हराम नहीं, उसको नाजायज नहीं कहा जाएगा, लेकिन खिलाफ अवला है। बेहतर यह है कि आदमी जब रोजा रखे तो साथ में कोई एक दिन मिलाए, चाहे नवी तारीख को मिलाए चाहे ग्यारहवीं तारीख को मिलाए, ताकि गैर इरादी मुशाबहत भी पैदा ना हो। और यह जोर इसलिए दिया जा रहा है दरहकीकत कि इस्लाम में जब दाखिल हुए हो और इस्लाम को अपने दीन के तौर पर कबूल किया है तो इस्लाम का अपना तशख्खुस है, एक इम्तियाज है, और तुम्हें देखकर लोगों को समझना चाहिए कि ये मुसलमान है। ऐसा अपना हुलिया बनाओ, ऐसा अपना तरीका इख्तियार करो कि देखकर तुम्हें पता चले कि हां तुम मुसलमान हो, और अगर देखकर पता ना चले तो इसके माना यह कि तुमने अपना इस्लामी तशख्खुस खो दिया, अपना इस्लामी इम्तियाज मिटा दिया। इस वास्ते जरूरत है इस बात की कि मुशाबहत से भी परहेज करो। अब देखो, आप अंदाजा करो कि ऐसा बकसरत होता है कि जिन लोगों ने अपने आप को ढाल लिया मगरिबी वजाकता में सर से लेकर पांव तक, तो आदमी जब चले जा रहे हो तो कोई महज देखकर ये नहीं पहचान सकता ये आदमी जो जा रहा है ये मुसलमान जा रहा है या काफिर जा रहा है। हो सकता है मुसलमान है, हो सकता है काफिर हो। इस वास्ते के लिबास हुलिये और वजा कता से कुछ पता नहीं लगता, देखकर आदमी को धोखा भी हो जाता है, मुसलमान समझा घर मुस्लिम निकला। कितने अहकाम है जो इस बात के ऊपर दारो मदार है उनका कि ये पता चले कि ये आदमी मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। अगर मुसलमान है तो उसके साथ तर्ज तखातुब कुछ और होगा, अस्सलाम वालेकुम उससे कहा जाएगा, और अगर मुसलमान नहीं है तो उसके साथ तर्ज तखातुब कुछ और होगा। बेशुमार अहकाम इसके ऊपर दायर है। अब अगर इम्तियाज ही मुसलमान मिटा दें और अपना सारा तौर तरीका वो बना लें गैर मुस्लिम जैसा, तो कोई इम्तियाज तो रहा नहीं, कोई तशख्खुस तो रहा नहीं, कोई पहचानने की अलामत नजर नहीं आती सर से लेकर पांव तक। वहां यूरोप अमेरिका में ये वाकयात पेश आते हैं, मुसलमानों ने बताए कि बावकात ऐसा हुआ कि कोई शख्स जाते जाते, जैसे बावकात हो जाता है रास्ते में, उसका इंतकाल हो गया और लावारिस लाश मिली। अब उस लावारिस लाश में सर से लेकर पांव तक कोई अलामत नजर नहीं आ रही जिससे पता लगाया जा सके कि ये शख्स जो मरा है ये मुसलमान था या गैर मुस्लिम था। ना तो उसके लिबास से पता लगता है, ना उसके हुलिये से पता लगता है, जिस्म पर कोई अलामत ऐसी नहीं जो मुसलमान होने पर दलालत करे। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि इसको आया गौसल दें, इसकी नमाज जनाजा पढ़ें, या क्या करें, या वैसे उसको ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन करें या मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करें। तो इस वास्ते कि बालोकात चेहरे मोरे से कम अज कम नस्ल का अंदाजा हो जाता है कि भाई ये पाकिस्तानी है या हिंदुस्तानी है, ये जो काले मुसलमान है ये पता लग जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो गोरे हैं और उनके चमड़ी में, उनके रंग में, उनके चेहरे में, उनके खदोखाल में भी कोई अलामत मौजूद नहीं। तो मुसलमान बताते हैं कि ऐसे मौके में सख्त मुश्किल पेश आती है, क्या करें, उनको क्या समझे, मुसलमान समझे गैर मुस्लिम समझे। तो यह हालत इसलिए बन गई कि इस हुजूर अकदस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को मद्देनजर नहीं रखा। तो मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन्हुम, तो अल्लाह बचाए इस अंजाम से कि आदमी मरे और देखने वालों को यह पता ना चले कि यह मुसलमान था और उसकी वजह से काफिरों के कब्रिस्तान में दफन हो और नमाज जनाजा तक उसकी ना पड़ी, गुस्ल भी ना आए दिया जाए। तो इस्लाम ने हर कदम पर इस बात का लिहाज रखा है कि इस्लाम का एक तशख्खुस होना चाहिए, एक इम्तियाज होना चाहिए जिसको देखकर पता लगाया जा सके कि ये कैसा है।
अल्लाह हमारे बुजुर्ग थे, वो एक मतलब बहुत अच्छा पहले की बात है, यूरोप का सफर किया उन्होंने हवाई जहाज में, तो सारे जहाज सारा जहाज जो है वो भरा हुआ था यानी मगरबी तर्ज के लोगों से, और मगरबी उनकी वजाकत था, यही बेचारे एक आदमी जो कुर्ता पजामे में और अपने मशरकी लिबास में। तो इतने में किसी जो जहाज के अमले के किसी फर्द ने इनसे ऐसे ही ऐसे आकर कुछ बात करनी शुरू कर दी और कहा कि जनाब आप सारा जहाज तो एक वजह में है और आप दूसरी वजह में हैं और जा भी रहे हैं ऐसे मुल्क में जो जिसकी सारी वजह ऐसी ही है, तो आपने उस जैसी वजह क्यों नहीं बना ली। तो इन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा कि भाई मैं यही सवाल मैं आपसे करता हूं, और वो ये कि सारे जहाज में जितने मुसाफिर सफर कर रहे हैं उन सबका लिबास तो है एक तरह का और आपका लिबास उन सबसे मुख्तलिफ है, क्योंकि जहाज के अमले के जो अफराद होते हैं उनका लिबास वो आम लोगों के मुकाबले में मुख्तलिफ होता है, उनकी अपनी एक यूनिफार्म होती है, एक वर्दी होती है। जब मैं आपसे सवाल करता हूं कि सब के सब जितने सफर कर रहे हैं ये तो हैं और लिबास में और आपका लिबास उनसे मुख्तलिफ है, तो आपने यह लिबास क्यों मुख्तलिफ अख्तियार किया? उसने कहा जी तो मेरा यूनिफार्म है, मेरी वर्दी है और इससे पता लगता है कि मैं जहाज के अमले का एक फर्द हूं, ताकि लोग इसको देखकर पहचान सकें और अगर कोई जरूरत पेश आए तो उस जहाज के अमले की वर्दी देखकर उससे बात कर सकें। उसने कहा कि अगर आपका ये यूनिफार्म है तो मेरा भी ये यूनिफार्म है, अगर आप एक अमले के फर्द होने का इजहार करना चाहते हैं तो मैं भी एक किसी हल्के से किसी तबके से ताल्लुक रखता हूं, मेरी ये वर्दी भी मुझे बता रही है कि ये दरहकीकत किसी और तबके से ताल्लुक रखने वाला शख्स है, तो इस वास्ते ये वर्दी मैंने पहनी हुई है ताकि लोग पहचान सके कि मैं मुसलमान हूं। तो अल्लाह तबारक व ताला जिस शख्स को ये एहसास अता फरमाए और इस बात का उसके दिल में कद्र हो, इस बात कि मैं मुझे अल्लाह तबारक व ताला ने अपने दीन के साथ वाबस्ता फरमाया, अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्ता फरमाया है, उस दीन के बुजुर्गों के साथ वाबस्ता फरमाया है, तो इस वाबस्तगी पर फख्र करे और इस वाबस्तगी की कदर करे, और उस कदर करके फिर इंसान अगर जहां भी जाएगा वो चाहे कोई उसको अच्छा समझे या बुरा समझे, लेकिन वो तो अपने काम में मगन है। अल्लाह तबारक व तआला ये कदर हमारे दिलों के अंदर अता फरमाए ईमान के इस्लाम। अगली हदीस है यह हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला से मरवी है, वो फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते मुकर्रर फरमाए हुए हैं जो सारी दुनिया में सफर करते रहते हैं, और हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का जो फर्द कभी हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजता है तो वो सलाम लेकर हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचाते हैं कि आपके फुला उम्मती ने आपके खिदमत में सलाम अर्ज किया है। इससे पता चला कि रूए जमीन पर जहां कहीं कोई मोमिन हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दुरूद भेजे या आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करे तो अल्लाह तबारक व ताला उसका दुरूद और सलाम पहुंचाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तो हमारे हजरत फरमाते थे कि जब कोई बंदा अल्लाह का बंदा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजेगा और सलाम पहुंचाया जाएगा तो लाजमन ये मुमकिन नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सलाम का जवाब न दें। आप कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह,
तो सलाम करना वाजिब नहीं, लेकिन सलाम का जवाब देना आपने वाजिब करार दिया सारी उम्मत के लिए। तो जब एक उम्मती का सलाम पहुंचाया जाएगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, तो मुमकिन नहीं है कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब न दें। और जवाब क्या देंगे? जवाब जाहिर है ये देंगे कि मुझ पर इस मेरे उम्मती ने सलाम भेजा है, तो अल्लाह आप इसके ऊपर सलामती और रहमत और बरकत नाज़िल फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, ये जवाब होता है। तो ये दुआ होती है कि उस सलाम करने वाले के लिए कि उस पर सलामती नाज़िल हो अल्लाह ताला की तरफ से, उस पर रहमत नाज़िल हो, उस पर बरकात नाज़िल हो। अंदाजा लगाइए कि जितना इंसान सलाम भेजेगा और दुरूद भेजेगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, उतना ही नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दुआओं का मुस्तहिक होगा, सलामती की, रहमत की, बरकतों की, दुआओं का मुस्तहिक होगा। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं रद्द नहीं होती। इस वास्ते दुरूद शरीफ और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम, ये इंसान के लिए अजीम सरमाया सआदत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं मिल रही हैं। और ये दुआ जो है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, तीन चीजें हैं इसमें, एक सलामती, एक अल्लाह की रहमत, अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें। ये अगर मिल जाए, सलामती मिल जाए, सलामती का ना दुनिया की सलामती भी और आखिरत की सलामती भी, अल्लाह की रहमत मिल जाए, अल्लाह ताला की बरकतें इंसान को हासिल हो जाए, और दुनिया में क्या चाहिए, सारे मकासिद के लिए जामे हैं। तो इस वास्ते ये दुरूद शरीफ इतनी फजीलत की। इसी से ये बात ही मालूम हो गई कि दुरूद शरीफ भेजने का तरीका क्या हुआ। यहां हुजूर ने फरमाया कि फरिश्ते अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर हैं जो सलाम लेकर जाते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बतौर हदिया। तो लिहाजा दुरूद शरीफ का और सलाम का तरीका वही हुआ जो नमाज में सिखाया गया, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व आला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। यह है दुरूद शरीफ का सही तरीका। अब बाद लोग, यानी मैं तो इसको बड़ी बेअदबी समझता हूं, ये लोग ये कहते हैं कि नहीं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नहीं पहुंचाया जाता सलाम, फरिश्ते नहीं लेके जाते, बल्कि हुजूर खुद आते हैं वसूल करने के लिए। जहां भी सलाम भेजा जाएगा या दुरूद भेजा जाएगा, तो उनका कहना यह है कि नहीं, हुजूर खुद, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाएंगे आपके दरे दौलत पर और वहां से सलाम वसूल करके जाएंगे। अरे भाई, किसी को हदिया किसी बड़े को पेश करना हो, क्या तरीका है उसका? उसके घर ले जाते हो या किसी के जरिए भेजते हो, या उससे कहते हो कि मेरे घर आके हदिया वसूल कर लेना? जो कोई भी शख्स जिसके अंदर अदब, ताजीम, मोहब्बत का कोई शायबा होगा, वो कभी ये नहीं कर सकता कि अपने किसी बुजुर्ग को हदिया देने के लिए ये कहेगा कि आप आए मेरे घर में आकर हाजिरी दें और हाजिरी देकर मैं आपको हदिया पेश करूंगा उस वक्त। कितनी बेअदबी की बात। जो भी कोई जरा सी भी अकल रखता होगा और अदब रखता होगा वो ये नहीं करेगा, बल्कि या तो खुद जाएगा या खुद नहीं जाएगा तो किसी एलची के जरिए भेजेगा कि ये मेरा हदिया आप फलां तक पहुंचा दीजिए। अल्लाह ताला ने यही बंदोबस्त फरमाया है, या तो खुद जाओ हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे अकदस पर, अल्लाह ताला तौफीक दे हाजिरी की, खुद जाओ और खुद जाकर हदिया पेश करो, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, वहां जाकर अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। या अगर खुद नहीं जा रहे तो अल्लाह ताला ने एलची भेजे हुए हैं सारी दुनिया के अंदर, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सयाहीन, सारी दुनिया के अंदर इसी काम के लिए फरिश्ते मुकर्रर हैं कि जब हदिया पेश करना चाहो तो उन फरिश्तों के हवाले कर दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आलि मुहम्मदिन, तुमने पढ़ लिया, वो फरिश्ते उन्होंने ले लिया हदिया और वो ले जाकर पहुंचाएंगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत। ये इंतजाम अल्लाह ताला ने कर रखा है। अब लोग कहते हैं नहीं, ये नहीं, हम तो
ये करेंगे कि अस्सलातु वस्सलाम अलैका रसूलल्लाह यहां बैठ के कहेंगे, और ये कहेंगे और साथ में ये अकीदा भी रखेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां तशरीफ लाएंगे इस सलातो सलाम को कबूल करने के लिए। तो लोग कहते हैं ये अदब की बात है, मगर इससे ज्यादा बेअदबी और क्या होगी कि आपके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिरी की तकलीफ दी जाए या आपके रूह को बुलाया जाए अपना हदिया नातीज पेश करने के लिए। हदीस ने साफ कर दी बात कि नहीं, हर मुसलमान का, हर उम्मती का सलातो सलाम पहुंचाया जाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, लेकिन फरिश्तों के जरिए पहुंचाया, फरिश्ते अल्लाह तबारक ताला के लेकर जाते हैं। हाँ, अगर खुद हाजिरी की तौफीक हो जाए वहां पर, तो बेशक वहां जाकर अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह खुद अपना हदिया पेश करो। इस हदीस ने यह बात वाजे कर दी, और अगली हदीस ने इसको और ज्यादा वाजे फरमा दिया। यह हज़रत बिलाल बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, आपने फरमाया कि जो शख्स मुझसे मेरी वफात के बाद आकर मिले, वफात के बाद आकर मिले कहां, रोज़ा अक़दस पर, जिसने मेरी ज़ियारत की मेरी वफात के बाद, फकअन्नमा ज़ारनी फी हयाती, तो ऐसा है जैसा कि उसने मेरी जिंदगी में मेरी ज़ियारत की। मेरी वफात के बाद मेरे रोज़ा अक़दस पर जो शख्स आकर मेरी ज़ियारत करे तो वो ऐसा है जैसे उसने मेरी जिंदगी में ज़ियारत की। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी शहादत के उसके बराबर कोई शहादत नहीं होती जिंदगी में आकर ज़ियारत। और अगली हदीस में फरमाया मन जाअनी ज़ाइरन ला तहुम्मुहु इल्ला ज़ियारती कान हक्कन अलल्लाह अन अकून लहू शफीअन, कि जो शख्स मेरी ज़ियारत करे और उसका मकसद मेरी ज़ियारत के सिवा कुछ और ना हो, सफर करने का मकसद मेरी ज़ियारत के सिवा कुछ और ना हो, तो अल्लाह ताला के, अल्लाह तबारक व ताला पर हक होगा कि मैं उसकी सिफारिश करूं क़यामत के दिन, शफी बनूं उसका क़यामत के दिन। तो यह पता चला कि खुद अपनी ज़ात से हुज़ूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर हाजिरी देना यह सवाब है, बताते खुद एक बहुत बड़ी इबादत। और इससे तद्दीद हो गई उन लोगों की जो ये कहते हैं कि सफर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की ज़ियारत की वजह से ना करे बल्कि मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ने की गरज से करे। एक कौम है जो ये कहती है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे अक़दस की ज़ियारत करने के लिए सफर करना दुरुस्त नहीं, बल्कि असल सफर करे मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए और मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने की गरज से, क्योंकि मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ना और नमाजों के मुकाबले में 1000 के दर्जे की फजीलत रखता है और बाद रिवायतों में 50,000, उसकी गरज से सफर करें। और जब सफर कर लिया और मस्जिद नबवी में पहुंच गया तो रोज़े अक़दस की ज़ियारत भी करें, वह रोज़े अक़दस की ज़ियारत ज़िम्नन हो और असल मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ना मक़सूद। इंतहा दर्जे की बेवकूफ़ी की बात। एक तो हदीस के अल्फाज ला तहुम्मुहु इल्ला ज़ियारती, ये बता रहे हैं कि मकसूद सफर का मेरी ज़ियारत होना चाहिए, मेरी ज़ियारत के लिए जो सफर करेगा इसी मकसद से सफर करेगा तो वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उम्मीद है कि मैं उसकी सिफारिश करूंगा, मैं शफी बनूंगा। दूसरा ये कि ऐसा कौन बेवकूफ आदमी होगा जो मस्जिद हराम की 1,00,000 नमाजों का सवाब छोड़कर मस्जिद नबवी की 1,000 या 50,000 का नमाज सवाब लेने के लिए जाए। भाई हज को गए हुए हैं, मक्का मुकर्रमा में हैं और सारी दुनिया जानती है और मानती है कि मस्जिद हराम में एक नमाज का सवाब 1,00,000 के बराबर है। अब यह हमाकत है कि नहीं कि आदमी 1,00,000 नमाजों का सवाब तो छोड़े और ऐसी मस्जिद में जाए जिसमें नमाज का सवाब 50,000 है या 1,000 है, तो आधा सवाब कम करने के लिए सफर करें, और जब आधा सवाब कम करने के लिए सफर कर लिया तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजे की ज़ियारत भी कर ले ज़िमनन तबान। तो ये हमाकत नहीं, तो और क्या, असल सफर का सबब होना चाहिए हुजूर अक़दस नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, और वहां जाकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अस्सलातु वस्सलाम अलैका रसूलल्लाह अर्ज करें। तो हदिया खुद पेश कर दिया, बताते खुद
یہاں بیٹھ کے صلوات و سلام علیکہ رسول اللہ کہنا, یہ یہاں کا محل نہیں, یہاں کا محل اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم علی علی ابراہیم, یہاں یہ دعا کرنا, وہاں صلوات و سلام علیکہ نہیں کہنا, وہاں ہے کہنا الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. جب یہ بات آئی تو یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت یہ افضل القربات میں سے ہے, یعنی عبادات میں افضل ترین عبادتوں میں سے ہے آپ کے روضہ اقدس کی زیارت کرنا. جب آپ نے خود فرما دیا اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ جو میری زیارت کرنے آئے گا میرے وفات کے بعد وہ ایسا ہے جیسا کہ میری حیات میں زیارت کرنے کے لیے آیا. تو بتائیے اگر حیات میں زیارت کرنے کے لیے کوئی جائے تو اس سے بڑی سعادت کوئی تھی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت نصیب ہو جائے. کتنی صبر کرے آدمی, کتنی مشقتیں اٹھائے, مشقتیں سب ہیچ ہیں اس سعادت کے آگے. تو یہ افضل قربات میں وہاں جا کر جو مصنوع جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ کہ آدمی روضہ اقدس کے سامنے حاضر ہو, معاذ شریف میں ہو سکے تو, نہیں تو قدمین شریفین میں, اور وہاں جا کر ادب کے ساتھ سلام پیش کرے, الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ. سلام کے سیرے چھپے ہوئے ہیں کتابوں کے اندر بھی, وہ پڑھ لے یا صرف اتنا بھی کہہ دے الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ, تو سلام کرنے کی فضیلت اور زیارت کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے. اب یہ کہ اس کے بعد تھوڑی دیر کھڑا رہے وہاں یا زیادہ دیر کھڑا رہے, اور کھڑا رہے تو کیا کرے, اس میں ذوق مختلف رہے ہیں بزرگوں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور اکثر بزرگوں کا ذوق تو یہ تھا کہ وہ مختصر سلام عرض کرتے تھے, زیادہ دیر کھڑے نہیں رہتے تھے, مختصر سلام عرض کیا دو چار مرتبہ, اور اس کے بعد پھر قدمین شریفین کی طرف جا کر وہاں جتنا ہو سکا دعائیں کی قبلہ روح ہو کر. صحابہ کرام کا اور بزرگان دین کے اکثر بزرگان دین کا طریقہ یہ رہا. البتہ گناہ کوئی ناجائز بات یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی وہاں پر زیادہ دیر کھڑا رہے اور بار بار یا تو سلام عرض کرتا رہے یا وہیں کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے ہاتھ اٹھائے بغیر, کھڑے کھڑے دعا کرتا رہے, تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں. لیکن جتنا کسی شخص کو تقرب نصیب ہوتا ہے اتنی ہی اس کے اندر خشیت زیادہ ہوتی ہے, اور زیادہ دیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہے میں کھڑا رہنا, کھڑا رہنے کی اکثر لوگوں کو تاب نہیں ہوتی کہ زیادہ دیر اس مقام پر کھڑے رہیں. سوچتے ہیں لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی صورت کتنی دیر تک دکھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صورت دکھانے کے لائق نہیں, اس واسطے جلد از جلد سلام عرض کر کے اور قدمین شریفین کی طرف بڑھ جائیں. البتہ کسی کو اللہ تعالیٰ یہ ذوق دے تو بہرحال وہ بھی کوئی مذموم نہیں, کوئی برا نہیں, کوئی ناجائز نہیں کہ آدمی جتنے دیر بھی کھڑا رہے. لیکن میں نے اپنے بزرگوں کو زیادہ تر جو دیکھا وہ یہ کہ وہ سامنا کرنے کی ہمت نہیں پاتے تھے. میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو ہمیشہ دیکھا کہ جالیوں کے قریب نہیں پہنچ پاتے تھے, روضہ اقدس کی جالیوں سے فاصلے پر ایک ستون ہے, ہمیشہ میں نے دیکھا کہ وہاں ستون کے پاس کھڑے ہو کر, اور عموماً اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ آگے بھی کچھ لوگ ہوں, سیدھا مواجہ نہیں کرتے. اور فرمایا کہ بھائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو براہ راست لے جاتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے, کچھ آگے دو چار مسلمان ہوں تو ان کے ساتھ مل کے سامنے چلے گئے.